हरियाणा में जीत की हैट्रिक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान, बोले हरियाणा ने बता दिया है देश का क्या है मूड, दलितों और किसानों ने बीजेपी को दिया है वोट। विपक्ष पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले कांग्रेस और अर्बन नक्सल का गिरोह लोगों को गुमराह करने में जुटा था, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चलती है। हरियाणा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अध्यक्ष खड़गे से उनके सरकारी घर पर मिले राहुल, हार के कारण पर मंथन। प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में पीएम मोदी से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कहा बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा सीएम, विधायक दल चुनेगा अपना नेता। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले सीएम सैनी, गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात। हरियाणा से बीजेपी के लिए एक और अच्छी खबर आई, हिसार से निर्दलीय और विजयी विधायक सावित्री जिंदल ने किया समर्थन का ऐलान, दो और निर्दलीय विधायक राजेश जून और देवेंद्र कादियान भी बीजेपी में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को उमर अब्दुल्ला ने बताई अपनी प्राथमिकता, कहा अनुच्छेद 370 को वापस लाने की लंबी है लड़ाई, एलजी के साथ अच्छे माहौल में काम की उम्मीद व्यक्त की। सरकार गठन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे निर्दलीय विधायक प्यारेलाल, इंदरवाल सीट से मिली है जीत। जम्मू कश्मीर परिणाम से उत्साहित प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना, कहा कश्मीर घाटी में बढ़ा हमारा वोट प्रतिशत, राजौरी पंच की 8 सीटों पर 2 लाख से अधिक वोट मिले। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा धन्यवाद, पोस्ट की प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, हम हरियाणा के अप्रत्याशित परिणाम का कर रहे हैं विश्लेषण। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, नामों को लेकर सहयोगी कांग्रेस से कोई चर्चा नहीं। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का कटाक्ष, बोले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अब कोई समन्वय नहीं, एक एक सीट के लिए एसपी के सामने गड़गड़ा रही है कांग्रेस। मोदी कैबिनेट की बैठक में पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्णय, 2028 तक 80 करोड़ लोगों को मिलेगा पौष्टिक चावल, सरकार करेगी 17,000 करोड़ रुपए खर्च। कैबिनेट की बैठक में सीमाई राज्यों में नई सड़कों को भी मिली स्वीकृति, राजस्थान पंजाब में बनेंगी 2,280 किलोमीटर सड़क, करीब 4,400 करोड़ रुपए की योजना। विरासत पर अपनी इस रिच विकास भी विरासत थी, आपने देखा कि डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा माइंडसेट में बदलाव करवाया इन 10 वर्षों में। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद राहुल गांधी का नाम लिए बिना किया कटाक्ष, कहा चलिए जलेबी खाते हैं। सप्लाई चेन नहीं बनती तो इतना बड़ा कार्यक्रम हाथ में लेना डिफिकल्ट होता, इसीलिए इस सप्लाई चेन को भी। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर शिवसेना उद्धव गुट का बयान, संजय राउत बोले गठबंधन धर्म निभाए, महाराष्ट्र में सीएम की करेंगे घोषणा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर 6 फ्लैग स्टाफ रोड को पीडब्ल्यूडी ने सील किया, घर को खाली करने और हैंडओवर करने को लेकर विवाद है, केजरीवाल की पूर्व विशेष सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस का आरोप, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के घर को खाली कराया गया, बीजेपी के इशारे पर एलजी ने दिया आदेश। हरियाणा चुनाव के परिणाम को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, परिणाम में गड़बड़ी की शिकायत। नागपुर में नए एयरपोर्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, जहां काम ठीक नहीं हुआ वहां ठेकेदारों को करता हूं ब्लैकलिस्ट, अधिकारियों के कर देता हूं छुट्टी। लेबनान पर इसराइल का हमला जारी, वारदीनियाह शहर में बमबारी में 4 की मौत, 10 से ज्यादा घायल, स्वास्थ्य मंत्री का दावा। इसराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह का भी पलटवार, हाइफा के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट से किया हमला। उत्तरी गाजा पर इसराइल की जबरदस्त बमबारी, जबालिया शरणार्थी शिविर में 10 फलिस्तीनियों की मौत, कई घायल। लेबनान के गांव में एक इमारत के 7 मीटर नीचे हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा बेनकाब, इजरायली सेना का दावा, पैरा ट्रूपर्स ब्रिगेड का एक्शन।
सीरिया के विदेश मंत्रालय का बयान, राजधानी दमिश्क में इसराइल के हवाई हमले में करीब 20 लोगों की मौत, आम लोगों के विरुद्ध अत्याचार का आरोप।